এবার টিসুরে, এবার টিসুরে चुनाव के दौरान बंगाल में भारी हिंसा जारी, गोलाबारी में पुलिस और पत्रकारों पर हुआ हमला, तृणमूल पर आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। सातवें और आखिरी दौर के मतदान के बीच अलग अलग जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं। आरोप है कि कैनिंग गोलाबारी बाजार में तृणमूल समर्थकों ने मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई, इनकार करने पर उन्हें पीटा गया, तस्वीरें ले रहे मीडियाकर्मी पर हमला कर दिया गया, पुलिस पर जमकर ईंटें बरसाई गई। इस घटना में एक समाचार कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाके में काफी तनाव है। तृणमूल पर विपक्षी पार्टी के वोटरों को बाधित करने का आरोप। दूसरी तरफ संदेशखाली ब्लॉक नंबर 2 के खुलना ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 177 की तृणमूल पंचायत सदस्य मणिका मंडल के पति रामकृष्ण मंडल पर हमला हुआ, उनका सर फूट गया है। तृणमूल नेता रामकृष्ण मंडल खुलना अस्पतालों में भर्ती है। इससे पहले जादवपुर लोकसभा सीट के भांगर इलाके हिंसा हुई है, ईवीएम लूट की घटना भी सामने आई है। न सिर्फ ईवीएम को लूटा गया बल्कि उसे तालाब में भी फेंक दिया गया। यह घटना जयनगर लोकसभा सीट के 129 कुलतली एसी में बेनी माधवपुर एफपी स्कूल के पास की है। चुनाव आयोग ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी है। ईसीआई का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में हिंसा की घटना भी सामने आई है। ভাই দিয়ে যা খরচে তাড়াতাড়ি চলো, গুলি চালিয়ে যাবে দুটো ভাই, দাঁড়া যা না একটা বেরিয়ে যা। মন্ডল সভাপতি পুষ্পেন্দু রায় ভুলে গেছিল এজেন্ট বসাতে, এজেন্টকে প্রচন্ড ভাবে মেরে হাঁটু মালা টালা ভেঙে দিয়ে খারা মেরেছে, খারা বর্তমান মেরেছে, মেরে এই তো আমাদের পুষ্পেন্দু রায় হসপিটালে ভর্তি, ভীষণভাবে মেরেছে ওনাকে, উনি কথা বলার কোনো ক্ষমতা নেই। আর আমাদের কর্মীকে ভীষণভাবে মেরেছে। কত নম্বর বুথ এটা? 7 নম্বর। কোথায় এটা? এটাই উত্তর মাহমুদপুর 97।